लोगों ने उस समय सुना था। हमारी भी अपेक्षा ये रहेगी कि आपसे संबोधित करते समय स्वराज इंडिया की जो खासियत है उस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे और बाकी बातें तो होगी, और इनके बोलने के बाद जो थोड़े सवाल आपके पास होंगे उनको भी हम जरूर लेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस देश में एक बहुत फैमिलियर सी कहानी है। कोई आंदोलन खड़ा होता है, कहता है कि हम केवल सामाजिक काम करेंगे, देश की सेवा के लिए आए हैं, फिर 6 महीने बाद 8 महीने बाद वो कहते हैं लेकिन जनता का बड़ा दबाव है, और फिर कहते हैं हमें पार्टी बनानी पड़ेगी, और उसके बाद जिस आंदोलन को लेके आते हैं वो भगवान जाने वो भूल जाता है, कभी कभी तो उसको गला काट देते हैं सीधा। स्वराज अभियान की कहानी इसमें दो मायनों में अलग है। पहला, स्वराज अभियान ने पहले दिन से कहा था कि हम कोई एनजीओ नहीं है, हम राजनीतिक विकल्प और वैकल्पिक राजनीति बनाना चाहते हैं, और हमने कहा था हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये वाला नाटक हमने कभी नहीं किया कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है इत्यादि इत्यादि। और उसका अगर कोई उसके बाद लोग ऐसे सोचते थे अच्छा ये लोग बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी बनने का इंतजार कर रहे हैं, एक दिन बन जाएंगे तो उसके बाद क्या अभियान किसने देखा वो सब खत्म हो जाएगा। उन दोस्तों को पिछले एक साल से मैं उत्तर नहीं दे पा रहा था। आज आप मानेंगे कि मैं हम आपको उत्तर देने की स्थिति में। जो संगठन अपने सबसे महत्वपूर्ण चेहरे को नॉन इलेक्टोरल काम में लगाता है, और जो साथी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण पहचान वाला साथी कहता है कि मैं इलेक्टोरल वाली चीज से दूर रहूंगा, मैं समझता हूं अब हम आपको शायद कन्विंस कर सकते हैं कि हम पार्टी बनाने के बारे में भी गंभीर थे पहले दिन से, और पार्टी के अलावा जो नॉन इलेक्टोरल काम है उस पर गंभीर रहे हैं और आज भी हैं। अगर गंभीर ना होते तो प्रशांत भूषण ही जिम्मेवारी नहीं लेते, वो किसी नॉन डिस्क्रिप्ट व्यक्ति को पकड़ा नहीं। दूसरा, ये कहना चाहता था कि पार्टियां आती हैं अपने बारे में अच्छी बात हर कोई कहता है, खासतौर पर जिस दिन फाउंडिंग डे हो उस दिन तो हर कोई अपने बारे में बहुत ही अच्छी बातें कहता है, और पत्रकार के रूप में आपने बहुत सुना होगा और जल्दी से विश्वास भी नहीं होता, खासतौर पर पिछले 2-3 साल की बात तो बहुत ही विश्वास कम हो गया। मैं चाहूंगा कि आप हमारी जांच करें। मैं 3-4 बात आपके सामने रख रहा हूँ। संविधान के प्रति आपके सामने है, आपने देश के पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस को देखा है। पहला, ये देश की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो कह रही है कि आरटीआई हम पे लागू होना चाहिए, हमारा प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा जो सिर्फ पार्टी के मेंबर को नहीं जनता को जवाब देगा, जनता से कोई भी हमसे प्रश्न पूछ सकता है हम उसका जवाब देंगे। अभी मुझे बताया गया है कि कुछ साथियों की आवाज बहुत आ रही है, जोर से बोलिए। यहाँ कमरे में जितने भी वॉलंटियर हैं मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया चुप हो जाएं या कमरे से बाहर चले जाएं। माफ कीजिए, मैं कोई आइडिया नहीं लगा इसका। पहला दावा कि ये देश की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आरटीआई को स्वीकार किया है, जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर रही है, और सिर्फ पार्टी के मेंबर नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के लोग नहीं, जनता में कोई भी व्यक्ति हमसे पूछ सकता है आपकी मीटिंग के मिनट्स कहाँ हैं, आपने फंड कहाँ से लिए हैं, आपके पदाधिकारी कौन हैं, फला निर्णय का क्या कारण है। दूसरा, मेरे विचार में देश की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो विप लगाने में अपने हाथ को बांध रही है, नहीं तो विप तो ऐसा कोड़ा है जो पता नहीं हमेशा हर पार्टी किसी पे कभी भी इस्तेमाल करती रहती है। हम ये नहीं कह रहे कि एंटी डिफेक्शन लॉ खराब है, अच्छा लॉ है, और जो खरीद फरोख्त एमएलए एमपी की होती है उसको रोकने के लिए जरूरी है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बांधने के लिए जरूरी है, नहीं तो एकदम खुलम खुला खरीद फरोख्त हुआ करती थी इससे पहले। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप बता दो कि असेंबली में आप क्या बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते, किस रेजोल्यूशन के लिए क्या करोगे, किसमें चुप रहोगे किसमें, ये तो बिल्कुल
हमारी पार्लियामेंट और असेंबली की गरिमा समाप्त तो हो गई है, तो नाटक हो गया है तो वहां बिल्कुल। तो हमने तय किया है कि कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन के सवाल को छोड़ के हमारी पार्टी व्हिप का इस्तेमाल नहीं करेगी। पार्टी की तरफ से लिख कर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी गई है। संविधान तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, लेकिन संगठनों के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता है। जैसे ही आपने अलग विचार दिया, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बाहर। यहां लिख के हम कह रहे हैं कि हमारे सदस्य, ऑफिस बेयर पे मर्यादा रहेगी, लेकिन सदस्य कोई हमसे अगर अलग नीति रखता है, प्रशांत जी ने तय किया है कि वो एक ऑर्डिनरी मेंबर रहेंगे, कल को यदि आप ऐसे विषय पे बयान देते हैं जिससे पार्टी की बहुमत सहमत नहीं है, कोई बात नहीं, बस इतना स्पष्ट कर दें कि ये मेरा बयान है, आधिकारिक बयान नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि कल को हो सकता है आज आप मुझसे सहमत नहीं है, कल को हो सकता है आप सहमत हो जाएं। चौथी बात, पार्टी की तरफ से हम अपने आप को कमिट कर रहे हैं कि हम ये टिकट बांटने वाली दुकान जितना जल्द बंद कर सकें उसकी कोशिश करेंगे, और टिकट बांटते वक्त कार्यकर्ता का, वहां जो लोग जहां काम हो रहा है उनका वोट, उनका मत लेंगे। मैं अभी स्थिति में नहीं हूं कि आपके सामने ये वायदा कर दूं कि 100% केस में करेंगे, केवल यही मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हम ग्राउंड में गए नहीं हैं। जाके हो सकता है कुछ सीखें, कुछ हमारा भी बड़बोलापन शायद कम हो जाए, सीखेंगे, आपको आके बता देंगे। तो ऐसा नहीं कह रहा कि केवल प्राइमरी मेथड से होगा, लेकिन दिशा वही है, वही जाना है हमारे को, नहीं तो हमारा लोकतंत्र सुधरेगा नहीं। और पार्टी में कुछ प्रमुख निर्णय लेने की जिम्मेवारी राज्य इकाइयों को दी गई है। जहां दिल्ली दरबार का राज हर चीज में चलता है, वहां हमारी पार्टी के संविधान में लिख के हमारी राज्य इकाइयों, फॉर एग्जाम्पल राज्य में लोकल इलेक्शन लड़ने हैं या नहीं लड़ने, इसका फैसला केवल राज्य इकाई लेगी, इसका केंद्र इकाई से कोई निर्देश नहीं। तो एक हम डिसेंट्रलाइज्ड फेडरल पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लिखी हैं उन चीज़ों के अलावा बहुत कुछ ऐसी हैं जिसमें लिखा नहीं जा सकता, पर आप देख रहे हैं, पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं, और अब 1.5 साल के बाद तो छोटे छोटे दावे हम कर सकते हैं कि ये फोटो वाली कल्चर हम नहीं करते। और वो जो पर्सनैलिटी कल्ट बनाने के जो सिस्टेमेटिक कोशिश हमारी राजनीति में हुई है, स्वराज अभियान ने उससे अपनी दूरी दिखाई है, और स्वराज इंडिया पहले दिन से कह रहा है, इसीलिए स्वराज इंडिया का एक प्रेसिडेंट तो है लेकिन प्रेसिडियम है। स्वराज इंडिया के टॉप पर केवल प्रेसिडेंट नहीं है, एक अध्यक्ष मंडल है जिसके आज 17 लोग अपॉइंट हुए हैं, 17 अध्यक्षों के बीच में वो एक अध्यक्ष बैठेगा। तो कलेक्टिव लीडरशिप को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया ताकि पर्सनैलिटी कल्ट ना। इसके अलावा मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज देश में विचार का वैक्यूम है, नए विचार है नहीं, 50-50 साल पुराने विचार की लाश लेके ढो रहे हैं लोग उसको। आज देश में मूल्यों का संकट है, हमारे देश के संविधान के जो बुनियादी मान्यताएं हैं उन पर हमला हो रहा है, बचाने वाला कोई नहीं। और आज देश में इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी का संकट, किस पे भरोसा करें, बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं कहां से आए। स्वराज इंडिया केवल कल की बात नहीं सोच रही, स्वराज इंडिया अगले 20 साल अगले 50 साल की बात सोच के आगे चल रही है। हम कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि इस विचार के शून्य में हम दीर्घकालिक पॉलिसीज दें देश के सामने, चाहे वो पॉलिसीज आज हमारी बनाने की क्षमता है या नहीं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने ईमानदारी से बातों को रखें, हम कोशिश करेंगे कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इंटेग्रिटी वाले
वो जनरेशन जो देश ने 25 साल पहले 50 साल पहले देखी थी, जेपी आंदोलन में देखी थी, कहीं कम्युनिस्ट मूवमेंट में देखी थी, एक झलक अन्ना आंदोलन में मिली थी, वैसे ईमानदार पॉलिटिकल वर्कर इस देश की बॉडी पॉलिटिक में हम लेके आए, ये हमारे दावे हैं। जाहिर आप इसकी जांच करेंगे और मैं चाहूँगा अनुपम भाई से परिचय करवाते हुए, जो औपचारिक रूप से हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, आप हमारे दावों की जांच करें और बाकियों से अगर एक सवाल पूछते हैं तो हमसे दो सवाल जरूर पूछें। धन्यवाद।